आयुष तांत्रिक के पास जाता है, जहां उसे वाणी नाम की एक लड़की मिलती है जो अपने पुनर्जन्म की बातें बताती है। वाणी की बातें सुनकर आयुष को शक होता है कि जो प्रेत आत्मा आयुष के पीछे पड़ी है वो कोई और नहीं, वाणी की बहन है। इसलिए वो वाणी से पूछता है, कहीं तुम्हारी बहन का नाम अनामिका तो नहीं? अब आगे। अनामिका का नाम सुनते ही वाणी का शरीर सुन्न सा पड़ जाता है। वो घबराते हुए अपनी कांपती आवाज में कहती है, आयुष तुम्हें अनामिका के बारे में कैसे पता? क्या तुम उसे पहले से जानते हो? वाणी की बात का जवाब देते हुए आयुष उसको बताता है, हाँ ये वही आत्मा है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ, और तो और वो मुझसे शादी करना चाहती है। शादी? और वो भी तुमसे? मगर क्यों? आयुष की बातें सुनकर वाणी हैरान हो जाती है। आयुष उसे शुरू से लेकर अब तक उसके साथ घटी हर एक बात बताता है कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे उस दुष्ट आत्मा ने उसे परेशान किया है। बात करते करते वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। रात के 3 बज रहे थे। वाणी आयुष की सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। वो आयुष के पास जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, शायद तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे यकीन हो गया है, मैं जानती हूँ कि तुम विक्रम हो, और शायद इसीलिए दीदी तुमसे शादी करना चाहती है। वाणी की बातें सुनकर आयुष थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। इतने में वाणी उसे कस के गले लगा लेती है। वाणी के गले लगाते ही दोनों के बदन में एक तरंग सी दौड़ने लगती है। मानो एक पल के लिए आयुष एकदम सुन्न पड़ जाता है। उसे कोई होश नहीं रहता। उसके शरीर में खून का प्रवाह बिजली की तरह तेज हो जाता है। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही हो, या फिर कोई पवित्र साया उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और वो वाणी को पहचान जाता है। इतने में तांत्रिक आ जाता है और कहता है, तुम लोग भी जाकर सो जाओ, क्योंकि कल सुबह हम एक पूजा का आयोजन करने वाले हैं। इसके बाद हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। शादी की बात सुनकर आयुष और वाणी एक दूसरे को देखने लगते हैं और हैरान होकर पूछते हैं, शादी कल सुबह? हाँ, यदि कल सुबह तुम दोनों की शादी नहीं होती है तो अगले दिन वो प्रेत आत्मा आयुष से शादी कर लेगी और उसके बाद सब कुछ अनर्थ होगा। ये बात सुनते ही वाणी बहुत परेशान हो जाती है और उस तांत्रिक से कहती है, यदि आप हमारी शादी करवाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं, अनामिका ये हरगिज नहीं होने देगी। मुझे ये पहले से मालूम है कि वो तुम दोनों की शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, इसीलिए मैंने एक प्लान सोचा है। तांत्रिक वाणी और आयुष को समझाते हुए कहता है। ये दोनों तांत्रिक की बात से खुश होकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। और इधर तांत्रिक कल सुबह होने वाली पूजा की तैयारी में लग जाता है। मगर किसे पता था कि कल सुबह जो होने वाला है वो इन सब की कल्पना से परे है। सुबह करीब 10:30 बजे जब आयुष की आंख खुलती है तो वो देखता है गुफा के अंदर बहुत सारे अघोरी एक बड़े से यंत्र के चारों ओर बैठे हुए हैं। उस यंत्र के अंदर कई सारे छोटे छोटे मिट्टी के पुतले बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हर पुतले के सामने एक नर खोपड़ी रखी हुई है। ये दृश्य देखकर आयुष को अजीब सा लगने लगता है। वो हैरान होकर तांत्रिक से पूछता है,
ये सब इतने पुतले क्यों हैं यहाँ पर? ये इंसान की शादी है या किसी प्रेत आत्मा की? आयुष की बात सुनकर वो तांत्रिक हंसते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी सोच के परे की चीज है। हम उन तमाम आत्माओं को बुलाएंगे जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ी हुई है, और हम उन सभी आत्माओं को आजाद करेंगे। तांत्रिक आयुष को हर एक पुतले को दिखाते हुए उसके पीछे की कहानी बताता है कि एक उसके पिता हैं, एक रुद्र और एक वो बूढ़ा ज्योतिष, और बाकी उस गांव की लड़कियां जिनकी दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी। वो सभी पुतले देखने में बेहद विचित्र लग रहे थे। फिर वो तांत्रिक आयुष से कहता है, एक काम करो, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ और वाणी को भी बोलो कि जल्दी करे। हमें अंधेरा होने से पहले तुम दोनों की शादी करानी होगी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद आत्माओं की शक्ति और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। आयुष वाणी के पास ये बताने के लिए जाता है कि उसे जल्दी तैयार होना होगा। जैसे ही वो वाणी के कमरे में दाखिल होता है, वाणी आईने के सामने अपने बालों को सवार रही थी। उसने लाल रंग की एक बेहद खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसकी कमर और उसका पेट साफ दिखाई दे रहा था। वो चुपके से दबे पांव वाणी के पास जाता है और अपना हाथ वाणी की कमर पर रखते हुए उसके पेट को सहलाता है। आयुष के छूते ही वाणी डर कर पीछे मुड़ जाती है और आयुष उसे कस के अपनी बाहों में भर लेता है। वो उसके होठों को चूमने ही वाला होता है कि तभी वाणी बोल उठती है, आयुष ये क्या कर रहे हो? वही जो एक प्रेमी को करना चाहिए, आयुष शरारत भरी आवाज में कहता है। एक मिनट आयुष, रुक जाओ, हम ये अभी नहीं कर सकते, खासकर जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, वरना हम दोनों का मकसद अधूरा रह जाएगा। वाणी आयुष को समझाते हुए कहती है। वाणी की बात सुनकर आयुष रुक जाता है और थोड़ा दूर हटकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुम तभी पसंद आ गई थी, और जब से मुझे ये पता चला है कि हमारा जन्मों का रिश्ता है, तब से मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आयुष की बात सुनकर वाणी आयुष के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है, खुश तो मैं भी हूँ, परसों बाद जो तुमसे मिली हूँ। वाणी थोड़ी सी मायूस हो जाती है और वो अपने उदास मन से कहती है, मैंने न जाने कितने जन्म लिए हैं, सच कहूं तो अभी भी मेरे मन में एक डर है कि कहीं हम फिर से अलग ना हो जाएं। हाँ, डर तो मुझे भी है, मगर सिर्फ अनामिका का। मगर सब कुछ ठीक रहा तो अनामिका का चैप्टर आज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आयुष वाणी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है। आयुष और वाणी को एक साथ घेरे में बने एक चक्र पर बैठा दिया जाता है। उनके सामने सारे पुतलों को रखा जाता है और फिर उन सब के सामने नर मुंड भी रखा जाता है। तांत्रिक मंत्र का जाप शुरू कर देता है और आयुष से कहता है, एक एक करके तुम्हें हर एक आत्मा को आजाद करना है, इसलिए जब मैं कहूंगा तुम अपने खंजर से हर पुतले के सामने वाली खोपड़ी में छेद करना। कुछ भी हो जाए इस पूजा को बीच में मत रोकना। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र का जाप करता है, वैसे वैसे वहां का माहौल बदलने लगता है। आसपास की हवाएं सर्द होने लगती हैं और जंगल में अजीब आवाज आनी शुरू हो जाती है। बिल्ली, कुत्ते, उल्लू, चमगादड़, इन सब की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। एक एक करके आयुष सभी खोपड़ियों में छेद करता रहता है और हर एक खोपड़ी से सफेद धुएं के रूप में एक आत्मा बाहर निकलती है कि तभी एक आवाज
सबका ध्यान भटका देती है। रुद्र बेटा, जो काम कहा था वो हो गया। सभी की नजर दरवाजे की ओर जाती है। वहां से एक बूढ़ी औरत अंदर आती है, जिसे देखते ही आयुष पहचान जाता है। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसने रुद्र के कान में इस जगह का पता बताया था। उस औरत को देखकर आयुष बहुत खुश हो जाता है, मगर वो आयुष की ओर एक अजीब नजर से देख रही होती है, जैसे मानो उसने भूत देख लिया हो। उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में ताबीज के साथ छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़ों की एक माला पकड़ रखी थी। आयुष के चाचा उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उसे रुद्र की पूरी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो बूढ़ी औरत आयुष के पास आती है और वाणी के सर पर हाथ रख देती है। थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ी औरत घबराते हुए जमीन पर गिर जाती है और कहती है, अनर्थ हो रहा है, ये सब अनर्थ हो रहा है। उस बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर आयुष और वहां मौजूद हर एक व्यक्ति हैरान रह जाता है कि आखिर ये औरत ऐसे क्यों कह रही है। तब वो बूढ़ी औरत बताती है, तुम्हें इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, इसकी आत्मा पवित्र नहीं है। ये वो नहीं जिससे तुम शादी करना चाहते हो, ये वो है जो तुमसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आयुष के बगल में वाणी नहीं बल्कि वाणी के रूप में अनामिका बैठी थी। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, वाणी के शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगता है। उसका पूरा बदन अकड़ने लगता है, उसकी जुबान भी टेढ़ी होने लगती है, उसके सारे हाथ पैर सब उल्टे हो जाते हैं और वो बार बार अपने शरीर को दीवारों से मारने लगती है। वाणी की इन हरकतों को देखते हुए आयुष उसे कसकर पकड़ लेता है कि तभी अनामिका कहती है, आखिर हर कोई हमें जुदा क्यों करना चाहता है। इस आवाज के साथ अनामिका वाणी के शरीर से निकल जाती है और वाणी का शरीर जमीन पर बेजान होकर गिर जाता है और एक जोरदार तूफान का झोंका गुफा के अंदर आता है। सारा सामान बिखरने लगता है और देखते ही देखते गुफा के अंदर से घना सफेद धुएं का कोहरा अंदर आ जाता है और उसके साथ आ रही थी एक काली परछाई। लंबे लंबे बाल, चेहरे पर बहुत सारे घाव के निशान, आंख की पुतलियां गहरी लाल रंग की, बिना होठ का चेहरा और कमर के नीचे सिर्फ धुआं ही धुआं था। उसके नाखून बहुत बड़े और नुकीले थे। पूरे शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और मुंह से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। तो आखिरकार आज भी मेरी बहन अपना वही रूप दिखा रही है। आज से हजारों साल पहले मेरा प्यार छीन के दिखाया था और आज एक बार फिर वो मुझसे तुम्हें छीनना चाहती है। अनामिका की बातें सुनकर आयुष डर जाता है और वो उसे समझाते हुए कहता है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, वाणी तो उस वक्त भी तुम्हारा साथ देना चाहती थी, मगर तुम अपने गुस्से में इस कदर खोई थी कि तुम्हें अपनी बहन तक दिखाई नहीं दी। बहन? कौन बहन? वो जिसने खुद बहन का घर उजाड़ दिया। अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है और फिर कहती है, ये सबको धोखा दे सकती है, अपनी सगी बहन को नहीं। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। सर पर काफी चोट लगने की वजह से वाणी बेहोश जमीन पर पड़ी थी। कुछ देर बाद जब वाणी होश में आती है तो वो अपने सामने अनामिका को हंसते हुए देखती है। उसे देखते ही वाणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी रोती हुई आवाज में कहती है, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं,
तुम मुझसे बचपन से जलती थी क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती थी। वाणी रोते हुए उसे बताती है, अगर उस दिन तुम आत्महत्या नहीं करती तो मैं खुद तुम्हारी और विक्रम की शादी करवा देती, मगर इससे पहले कि मैं कुछ करती तुम हमें छोड़कर जा चुकी थी। सब झूठ है, और कितना धूल झोंकोगी मेरी आंखों में। एक बात याद रखना, वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, अनामिका बेहद गुस्से में चीखते हुए कहती है। ये सब सच है, वरना मैं आज तक तुम्हें नहीं ढूंढ रही होती। वाणी अनामिका को कहती है, अगर इतनी ही फिक्र है तुम्हें मेरी तो छोड़ क्यों नहीं देती आयुष को? करने दो मुझे इससे शादी, क्यों मुझे फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रच रही हो? मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों? अनामिका की ये बात सुनकर वाणी कुछ सोच में डूब जाती है और फिर आयुष की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो आयुष, शायद हम दोनों की किस्मत को यही मंजूर है कि हम कभी ना मिले। मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ और हमेशा करूंगी, मगर मैं अपनी बहन से भी उतना ही प्यार करती हूँ। आयुष वाणी की बात सुनकर परेशान होने लगता है, उसे डर लगने लगता है कि कहीं वाणी उसे अनामिका से शादी करने के लिए ना कह दे। इधर आयुष अभी सोच ही रहा था कि तभी वाणी कहती है, पिछले 1000 सालों से मैं हर रोज सिर्फ यही सोचकर जीती थी कि कब मुझे मेरी बहन मिलेगी। आज मुझे ये मिल गई, मुझे अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का एक मौका दे दो। कैसा मौका? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आयुष अपनी परेशान आवाज में कहता है, तुम मेरी बहन अनामिका से शादी कर लो ताकि मेरी बहन को मुक्ति मिल सके। वाणी अनामिका की ओर देखते हुए कहती है। वाणी की बात सुनकर आयुष बहुत हैरान हो जाता है और उसे अपनी तरफ घुमाकर गुस्से से कहता है, अगर मैं उससे शादी करता हूँ तो मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही मेरे सर से वो कर्ज उतरेगा। आयुष वाणी के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहता है, वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें अनामिका से शादी करनी पड़ेगी। वाणी जिद करते हुए कहती है। वाणी की बातें सुनकर आयुष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस चीज के लिए वो इतने दिनों से लड़ रहा था, सब कुछ पल भर में बिखर जाने को था। उधर आयुष के चाचा भी इस बात को सुनकर बेहद हैरान थे, क्योंकि अगर आयुष अनामिका से शादी करता है तो उसके पिता को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही उसके ऊपर से प्रेत आत्माओं का कर्ज खत्म होगा, और अगर वो अनामिका से शादी नहीं करता है तो अपने पिछले जन्म के प्यार को हमेशा के लिए खो देगा। आयुष के लिए ये किसी इम्तिहान की घड़ी से कम नहीं था, क्योंकि एक तरफ था उसके पिता की मुक्ति का कर्ज तो दूसरी तरफ उसका जन्म जन्मांतर का प्यार। क्या आयुष अपने प्यार के लिए अपने पिता की आत्मा को श्राप से मुक्त नहीं कराएगा, या फिर अपने पिता के लिए अपने पिछले जन्म के प्यार की बातों को ठुकरा देगा? जानने के लिए सुनते